हमारा शरीर एक ऐसी जटिल संरचना के साथ बना है कि इसकी बनावट पर अभी तक शोध चल रहा है। ऐसे बहुत सी बातें हमारे शरीर से जुड़ी है जो आपको सोच में डाल सकती है। आप रोजाना उस काम को करते हैं, लेकिन वो होता कैसे है और हमारा शरीर उस पर कैसे प्रतिक्रिया करता है, इसे जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। ऐसा ही कुछ फैक्ट जानने वाले उस शरीर के बारे में जो होता है पर कई लोग जानते नहीं कि कैसे होता है, जिन्हें जाने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि आपके शरीर के साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर वन, कैंसर। आपने देखा होगा कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के समय मरीज के बाल झड़ने लगते हैं, लेकिन ये कैसे होता है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या आपको पता है? असल में जब कैंसर के मरीज को दवाई दी जाती है तो वो बहुत हैवी डोज होती है, जिसके कारण उन दवाइयों का मरीज के शरीर पर गहरा असर होता है और उस स्थिति में शरीर के बाल झड़ने लगते हैं। कैंसर को खत्म करने के लिए केमोथेरेपी दी जाती है। ये इतनी स्ट्रांग होती है कि मरीज के शरीर के बाल इसे सहन नहीं कर पाते हैं और वो झड़ने लगते हैं। क्या आपने कभी सोचा था ऐसा होता है? नंबर टू, स्किन। आपने देखा होगा कि जब आप देर तक पानी में रहते हैं या फिर काम करते हैं तो आपके हाथ की स्किन सिकुड़ जाती है, या यूं कहिए कि सिलबटे पड़ जाती है। लेकिन ये ऐसा क्यों होता है? विज्ञान की इस दुनिया में इसे एक सुरक्षा कवच बताया गया है जो कि मनुष्य और बंदर की प्रजाति के सभी जानवर की सुरक्षा करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप पानी में काम करते हैं तो आपके शरीर की त्वचा में नमी आ जाती है। उसी नमी से बचने के लिए आपका शरीर सिकुड़ जाता है और हाथ और पैर की ग्रिप को बनाए रखने के लिए मदद करता है। यही कारण है कि जब आप पानी में देर तक काम करते हैं तो आपकी त्वचा सिकुड़ जाती है। नंबर थ्री, गूज बम्प्स। मनुष्य के शरीर पर हजारों लाख रोए मांसपेशियां होती है जो हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम से जुड़ी होती है, जिसका सीधा संबंध हमारे दिमाग से होता है। जब आप कोई डरावनी चीज या कोई अच्छा संगीत सुनते हैं तो आपके हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और सभी अंगों तक ज्यादा रक्त पहुंचने लगता है। जब ऐसा होता है तो एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनालिन हार्मोन्स निकलता है, जिसे मांसपेशियों को अतिरिक्त शक्ति मिलती है। यह अतिरिक्त शक्ति किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए दिमाग द्वारा पैदा की जाती है। यही शक्ति शरीर के रोए को भी उत्तेजित करती है, जिससे शरीर में गर्मी आती है, जिसे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नंबर फोर, टीयर्स यानी आंसू। ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा कि जब आप रोते हैं तो आपको राहत महसूस होती है, लेकिन ऐसा क्या है जब आप दुखी होने पर रोते हैं तो आपको राहत मिलती है? इसे विज्ञान की भाषा में लूसिन कहते हैं। जब यह आपकी आंखों में बाहर आता है तो आपको राहत महसूस होती है, और दुखी होकर रोना इंसान की स्वाभाविक प्रकृति है। अक्सर ऐसे समय पर आंख भर ही जाती है, कई बार न चाहते हुए भी आंखों से आंसू छलक ही जाते हैं। मगर आखिर ऐसा क्यों होता है वो भी जान लीजिए। दरअसल विज्ञान पर यकीन किया जाए तो उनके अनुसार आंसुओं का आना प्राकृतिक प्रोसेस है। एक वजह यह भी है कि इसके कारण आंखों में भी नमी बनी रहती है, इसके कारण हमें देखने में परेशानी महसूस नहीं होती है। इंटरेस्टिंग। नंबर फाइव, किस यानी चुंबन। अब आपको बताते हैं प्यार की बात। जी हाँ मेरे दोस्त, जब दो लोग आपस में 10 सेकंड तक चुंबन करते हैं तो इस दौरान 8 करोड़ बैक्टीरिया एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन आपके लिए डरने की बात नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि 8 करोड़ में से कुछ ही बैक्टीरिया आपको नुकसान पहुँचाते हैं, जबकि बाकी के सारे आपके लिए फायदेमंद होते हैं। नंबर सिक्स, हेयर यानी बाल। बालों की परेशानी को खत्म करने के लिए अक्सर लोग अपने बाल कटा लेते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि बाल घने और जल्दी उगेंगे, या फिर बचपन में शेविंग करने से दाढ़ी के बाल जल्दी आते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा कुछ नहीं होता है। बाल उगना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो बार बार काटने से किसी भी रूप से प्रभावित नहीं होती है। यही कारण है कि यह सिर्फ दिमाग का भ्रम है कि बाल काटने पर जब वो उगते हैं तो आपको ज़्यादा दिखाई पड़ने लगते हैं, जबकि असल में वैसा कुछ नहीं होता है। एक सफ़ेद बाल तोड़ने पर और अधिक सफ़ेद बाल उग जाएंगे, ये बात भी पूरी तरह से गलत है। नंबर सेवन, बनाना। अब आपको बताते हैं केले के बारे में। जी हाँ मेरे दोस्त, असल में जो केला आप खाते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। केले में पोटेशियम 40 होता है, जिसके कारण केले से रेडिएशन निकलती है। ये रेडिएशन आपको मार सकती है। जी हाँ मेरे दोस्त, लेकिन उसके लिए आपको एक साथ 1,00,000 केले खाने होंगे, या फिर आपको 7 साल तक रोजाना 274 केले खाने होंगे। नंबर एट, गोल्ड। आपके शरीर में सोना भी मौजूद है। जी हाँ मेरे दोस्त, 170 किलो के मनुष्य में इसकी मात्रा केवल 0.2 मिलीग्राम होती है। यह आपको शरीर में मौजूद जोड़ों में शरीर की सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद करता है। नंबर नाइन, रेड आइज इन स्विमिंग पूल। आपने देखा होगा कि जब आप स्विमिंग पूल में नहाने के बाद
बाहर आते हैं तो आपकी आंखें लाल हो जाती है। लेकिन कैसे? असल में स्विमिंग पूल में पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन मिलाते हैं। इसी क्लोरीन में जब आपका पसीना या पेशाब मिलता है तो यह आपके शरीर पर प्रतिक्रिया देता है, यानी वहाँ रिएक्शन होता है जिसके कारण आंखें लाल हो जाती है। और कई लोगों का ये भ्रम होता है कि पानी में बहुत ही गंदगी होती है, जैसे कि यूरिन हो गया, बैक्टीरिया वायरस हो गया, पर उससे लाल नहीं होता है मेरे दोस्त, वो सब बस एक भ्रम है, एक्चुअली वो क्लोरीन से होता है। नंबर 10, छींक आना यानी स्नीजिंग। अगर आप ये सोच रहे हैं कि केवल सर्दी या जुकाम होने पर छींक आती है तो आप गलत है, क्योंकि इसके अलावा भी कई बार अचानक से छींक आ जाती है। दरअसल जो सांस के माध्यम से जो धूल मिट्टी कचरा जीवाणु शरीर के अंदर चली जाती है, छींक उन सब को बाहर फेंक देती है। दरअसल छींक एक फिल्टर का काम भी करता है। हाँ तो दोस्तों, ये ऐसी बातें थी जो कई लोगों को पता नहीं होता है। होता तो है पर पता नहीं चलता है कि कैसा क्यों होता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, सोशल मीडिया और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और इस चैनल से हमेशा सब बने रहने के लिए आगे भी ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन उसे प्रेस कर, ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले, वो भी फ्री में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।